हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ अफशा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी शीर खोरमे की रेसिपी, जिसे आप किसी भी फेस्टिवल पे झटपट बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 2 लीटर फुल क्रीम दूध है। आप किसी भी ब्रांड का दूध ले सकते हैं, बट फुल क्रीम होना चाहिए। ये 100 ग्राम पतली वाली सिवैयें हैं, आप चाहो तो फेनी भी ले सकते हो। ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और ये 50-50 ग्राम में छुआरे हैं, चिरौंजी है, गोला है, काजू है, पिस्ते हैं, बादाम हैं, किशमिश है और हरी इलायची है। बादाम को हमने रात भर सोख करके रखा हुआ था, उसका छिलका उतार के उसे स्लाइस में कट कर लिया। आप ड्राई फ्रूट्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी डाल सकते हो। इलायची का हमने इस तरह से मुँह खोल दिया है, इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाला जा सकता है। ये 250 ग्राम चीनी है, चीनी भी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर दूध उबालने रख देंगे और इसे चलाएंगे ताकि दूध तले पर लगे नहीं। जब दूध उबल जाएगा तो चीनी ऐड कर देंगे और इसे चलाते हुए चीनी मेल्ट होने तक पकाएंगे और गैस फ्लेम लो रखेंगे। तो यहाँ दूध भी उबल चुका है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। तो भगोना हमने गैस पे रखा हुआ है, एक बड़ा चम्मच भर के देसी घी डालेंगे और गैस फ्लेम लो रखेंगे। घी गर्म हो जाएगा तो इसमें रोस्ट करेंगे हम सारे ड्राई फ्रूट्स और 1 मिनट इसे रोस्ट करके निकाल लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं। तो अब हम सिवैयाँ रोस्ट करेंगे। तो सिवैयों को पहले हम तोड़ लेंगे ताकि रोस्ट करने में आसानी हो। तो भगोने में देखिए जो देसी घी बचा हुआ है उसी में हम इन सिवैयों को भूनेंगे। सिवैयों को भी हल्का सा ही भूनेंगे कि बस इनका कच्चापन दूर हो जाए। इतना नहीं भूनना कि इनका कलर चेंज हो जाए, वरना शीर का टेस्ट खराब हो जाएगा। और इसे लो फ्लेम पे ही भूने। तो देखिए ये भुन चुकी है। तो इस स्टेज पे अब हम अपने रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। अब इसमें उबला हुआ दूध ऐड करेंगे और गैस फ्लेम लो ही रखेंगे। और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे जब तक पकाएंगे जब तक सिवैयें सॉफ्ट ना हो जाएं। तो देखिए यहाँ हमारी सिवैयाँ दूध में सॉफ्ट हो गई हैं, फूल गई हैं। तो इस स्टेज पे अब हम गैस ऑफ कर देंगे। तो 5 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। तो 5 मिनट बाद हम इसे खोल के देखेंगे तो हमारा शीर खोरमा बन के तैयार है। तो आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे बना सकते हो, या आपका जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे झटपट बना सकते हो। ये रखे रखे गाढ़ी हो जाती है, तो आप बाद में भी इसमें उबला हुआ दूध ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आप शीर खोरमे को स्पेशल स्वीट डिश में शामिल कर सकते हो। अब हम मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।